बिग बॉस के घर के अंदर हमेशा से ही खाने को लेकर हमेशा मारामारी होती देखी गई है, खास तौर पर अंडों को लेकर। बिग बॉस के घर में आज हुआ कप्तानी कार्य, बात करेंगे संचालक कितना बायस था कितना नहीं, घर में किसने कैसी बनाई स्ट्रेटेजी, और आज के एपिसोड का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों, घर की जो शुरुआत हुई आज काफ़ी ज़्यादा कुकड़ुकू के साथ हुई, क्योंकि सारे सदस्य घर में सोते हुए नजर आए। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला कैप्टन बने और कैप्टन बनने के बाद सभी घरवालों ने उनके लिए अच्छा खासा काम किया, लेकिन आसिम की प्लानिंग थी कि अगर घर में राशन नहीं आता है तो हम सिद्धार्थ शुक्ला की कप्तानी को बॉयकॉट करेंगे, और ये प्लानिंग पिछले 2 दिनों से चल रही थी जिस पे उनका साथ किसी ने नहीं दिया, और अब इस प्लानिंग के ऊपर अमल करते हुए सभी घर वाले नजर आए, क्योंकि घर में चाय नहीं थी इस वजह से सभी घर वाले जो है सोते बिलकते नजर आ रहे थे। बात करें अब सिद्धार्थ शुक्ला की कप्तानी की, तो सिद्धार्थ शुक्ला का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी समय से घर के अंदर कप्तान बने हुए थे, मतलब ये हफ्ता पूरा उन्हीं का था, इम्यूनिटी भी उन्होंने ली, तो उनके हिसाब से उन्होंने कप्तानी काफ़ी अच्छी करी है, लेकिन कप्तानी उनकी काफ़ी अच्छी चल रही थी जब तक राशन वाली बात नहीं आती। घर के अंदर कप्तान का सबसे मेन काम होता है कि घर में सब लोगों को साथ लेकर चलना, किसी के लिए खाना कम ना पड़े, कोई अपने काम से काम चोरी ना करे, ये चीज़ें उन्हें देखनी होती हैं। घर के बाकी रूल्स, जैसे कोई सो तो नहीं रहा और कोई लड़ाई हो रही है तो कोई फिजिकल होने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें उस कप्तान के हाथ में होती है। अब घर में जो इंसान सबसे ज़्यादा फिजिकल होता है, जो कई बार सोते हुए पाया जाता है, वो सिद्धार्थ शुक्ला उनमें से एक है। तो अब सिद्धार्थ शुक्ला खुद इन बातों को खुलासा करते हुए नज़र आते हैं कि वो खुद भी कई बार सोते रहते हैं। दोस्तों, बिग बॉस की जो इनकी कप्तानी थी पूरे हफ्ते की, बहुत ज़्यादा शुरुआत अच्छी रही क्योंकि बहुमत से ये जीते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी कप्तानी में बगावत की बू आने लगी तब जब राशन की बात आई। राशन की बात तब आई जब जो सिद्धार्थ शुक्ला हैं वो क्या बोलते हैं, लग्जरी बजट देने से मना कर दिया। पारस के साथ उनकी दोस्ती हुई तब से, तो आसिम की और उनकी लड़ाई हो ही रखी है, तो लग्जरी बजट जब से देने से मना किया, उसके बाद राशन की बात होने के बाद और बॉयकॉट की बात होने के बाद से ही इनकी कप्तानी पर सवाल उठ चुके थे। दूसरी ओर अब सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी अच्छे कप्तान साबित होते क्योंकि राशन की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, तो अब घर के अंदर और भी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी तब बनने लग गई है जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। रश्मि काफ़ी समय से कुछ नहीं बोल रही थी, मतलब उनका घर के अंदर एग्जिस्टेंस लगभग 0 से 1 ही थी, लेकिन अब जब अरान खान का कमबैक हुआ है उसके बाद से उनकी एग्जिस्टेंस अचानक से 10th लेवल पर जा चुकी है, और उनका लेवल सही में वापस से काफ़ी बढ़ गया है, और ये चीज़ शो के लिए अच्छी तो है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि रश्मि अब सीधे तरीके पे गेम खेल रही है, वो भी इस तरीके का, वो भी मतलब थोड़ा सा पारस से मिलता जुलता कि ठीक है, अब मेरे पास बैकअप है और कोई मेरा साथ देने वाला है, तो अब तो मैं जो चाहे वो करूँगी। तो यहाँ पर रश्मि के दिमाग में ये बात आ चुकी है। अरान, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के सामने उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी दब जाती है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कैसे ना तैसे उभरने की। इस हफ्ते बाहर तो नहीं निकलेंगे, लेकिन अगले हफ्ते ना बाहर निकलें इस चीज़ की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार उनके साथ चोट यही हुई थी कि वो अगले हफ्ते ही निकल गए थे क्योंकि अरान खान ने घर के अंदर कुछ खास किया नहीं था। बिग बॉस के घर के अंदर अब कैप्टेंसी कार्य है, और कैप्टेंसी कार्य के दौरान बिग बॉस ने इससे पहले घर वालों को आपसी सहमति से ये बताने पर दबाव दिया कि बहुमत से 2 नाम चुने जो कि आगे इस हफ्ते कैप्टन बनने के दावेदार नहीं बन सकते। तो घर वालों ने बहुमत से विशाल का नाम लिया, और रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला में बहुत ज़्यादा तरीके से टाई हो रहा था, और ये टाई होना लाजमी भी था क्योंकि घर के अंदर दोनों के बराबर से ही सपोर्टर्स हैं। सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी ज़्यादा बोल गए विशाल को लेकर, तो विशाल ने अपना जो वोट है उसे चेंज करके सिद्धार्थ शुक्ला को किया कि वो इसी के साथ जो बहुमत था वो टूटा, मतलब जो ड्रॉ हो रहा था वो टूटा, और सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं वो अब दावेदारी से बाहर हुए। दावेदारी से बाहर होने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला कहीं ना कहीं अब उनके लिए कैप्टनसी मायने नहीं रखती, क्योंकि उनको पता है कि घर के अंदर कोई भी कप्तान बने, उनको काम जो भी मिले सबको चिक चिक करनी है, और काम करने से वो काफ़ी ज़्यादा कतराते भी हैं। इस हफ्ते उन्होंने काम नहीं किया तो इस बात की उन्हें खुशी तो होगी ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पारस और या फिर माहिरा या सहनाज में से कोई कप्तान बने, और ये बात समझ चुके हैं।
आरती जो घर के अंदर अभी भी कहती भी फिरती हैं कि वो न्यूट्रल हैं, तो वो न्यूट्रल नहीं है। ये दिखता है साफ साफ कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा रखती हैं, वो सिद्धार्थ शुक्ला का फेवर ज़्यादा करती हैं। शायद यही वजह है कि आरती को सिद्धार्थ शुक्ला ने नॉमिनेशन के दौरान सेव भी किया था। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला के हाथ में नॉमिनेशन वाली जो पावर आई, इससे एक चीज़ तो साफ हो गई, उन्होंने जिसको भी नॉमिनेट किया सारे उनके दुश्मन थे, कहीं ना कहीं उनकी राइवलरी थी। अब कप्तानी के लिए टास्क आ जाता है। टास्क की बात करें तो टास्क होता है बीबी जंक्शन टास्क, और इस टास्क के अंदर आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं कि टास्क के अंदर क्या है। दरअसल संचालक हैं पारस, और समय समय पर बजर बजेगा। बजर बजने पर सामान कक्ष, वहाँ पर सबका सामान रखा हुआ है, अलग अलग नाम रखे हुए हैं सामान के साथ में, तो सबको अपना छोड़ के किसी का भी उठाना है। अगर वो उसे सेव करना चाहते हैं तो फटाफट ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जो लास्ट में ट्रेन में चढ़ेगा उसका जो भी बैग पे जो नाम होगा वो हो जाएगा आउट, और जो लास्ट में ट्रेन से उतरेगा वो भी हो जाएगा आउट। तो इस तरीके से ये टास्क होने वाला है, और लोग अब एक दूसरे को निकालने की कोशिश करेंगे तो खुद को बचाने की भी कोशिश करेंगे। तो आसिम अरहान और अरहान आसिम एक दूसरे को काफ़ी हद तक सेव करते हुए नज़र आ सकते हैं। और घर के अंदर अब जो संचालक हैं उन्होंने खुली चुनौती दे रखी है कि भैया अपन तो बायस्ड हैं और अब तुम फिजिकल हो रहे हो ना, तो अब देखो मैं कैसे दिमाग से खेलूँगा। पारस फिज़िकल गेम कम ही खेलते हैं क्योंकि उनके साथ एक छोटी सी दिक्कत है, तो उस दिक्कत की वजह से वो फिज़िकल कम ही खेलते हैं, लेकिन दिमाग बहुत लगाते हैं। घर के अंदर डर्टी गेम भी उनका है, मैनिपुलेटिव गेम भी उनका है, और वो गेम बिग बॉस के घर के लिए एक तरीके से शाम दाम दंड भेद वाला जो पूरा है ब्यौरा, वो सिर्फ एक ही इंसान कर रहा है, वो है पारस। और आज के टास्क में पारस जो थे वो संचालक थे, तो संचालन उन्होंने टास्क में किया, और जिस तरीके से संचालन किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। घर के अंदर पारस का संचालन मतलब बहुत ज़्यादा बायस, अब तक के सबसे बायस संचालक कह सकते हैं। और आसिम और पारस पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, और जो ये जो ट्रेन के अंदर चढ़ने वाला पूरा सिलसिला है, तो ये दोनों अब इसके कैप्टेंसी के दावेदार नहीं हैं। सिद्धार्थ शुक्ला पहले ही नहीं थे, विशाल भी पहले ही नहीं थे, और दावेदारी बढ़ती रहती है। लेकिन अब आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला के डिफरेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं घर के अंदर। इन दोनों के डिफरेंसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में पहले तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दूसरी चीज़ पारस जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्त बन गए, और अब पारस स्टैंड बाय करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, जहाँ पर एक टाइम पर आसिम स्टैंड बाई किया करते थे। और अब इनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा जो है गहरी होती दिख रही है पारस की और सिद्धार्थ की। हालांकि पारस को सिद्धार्थ ने नॉमिनेट किया है, एज इन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कह के नॉमिनेट किया है, फिर भी पारस कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ के साथ। और अब सिद्धार्थ शुक्ला कई बार पीछे चुप बैठे नज़र आते हैं, जहाँ पारस उनके लिए बोलते नज़र आते हैं। एक चीज़ तो सिद्धार्थ शुक्ला ने पारस को ये बात कही कि तुझे चुप रहना चाहिए, और तू जब भी बोलेगा तो ज़्यादा गंद निकलेगी तेरे मुंह से, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आसिम के साथ आज सिद्धार्थ शुक्ला ने वही किया जिस चीज़ के लिए सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला को मना किया था, आसिम के साथ धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, और इतनी धक्का मुक्की सही नहीं है। हालांकि दो हफ्ते तक उन्होंने नहीं की थी, लेकिन आज फिर धक्का मुक्की हुई है और आसिम को बहुत चोटें भी आई हैं। और हालांकि उन्होंने इतना ब्रैग नहीं किया चोटों के बारे में, और बिग बॉस से कुछ नहीं मांगा कि फिज़िकल वायलेंस हुआ है, फलाना ढिमकाना, इतना ज़्यादा नहीं कहा जितना बाकी घर वाले कहते हुए नज़र आए थे, जितना माहिरा, जितना पारस कहते हुए नज़र आए थे कि कुछ खिलाफ इनके दंड होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंटेंशनली हुआ। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि घर से बाहर निकालो या फिर मुझे इंसाफ चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी आसिम ने नहीं कहा, बस कहा कि मुझे चोट लगी है और ये फिज़िकल वायलेंस घर में फिर से हो रहा है। और इस बात को लेकर घर में उन्हें नाजुक कली कहा गया, लड़की कहा गया, सीरम लगाने वाला इंसान कहा गया, चिकना कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। आसिम को रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो बुली भी किया जा रहा है, जिसके अंदर मेन जो हाथ है वो तीन लोगों का है, पारस का, सहनाज का और माहिरा का। ये सब मिलकर आसिम को काफ़ी ज़्यादा बुली कर रहे हैं, जिस वजह से आसिम काफ़ी दबते नज़र आ रहे हैं। पारस का गेम बहुत ज़्यादा अब जो है बायस्ड गेम नज़र आता है, और इतना बायस्ड किसी को नहीं होना चाहिए गेम के अंदर, तो पारस बहुत बायस्ड वो कर रहे हैं। और कैप्टेंसी अब अगले दिन तक चलने वाली है, देखना होगा कि कैप्टेंसी में कौन कौन दावेदार बनता है और कौन जीतता है कैप्टेंसी कार्य और कौन बनता है घर का कैप्टन। बहरहाल आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आप किसे बनाना चाहते हैं घर का नया कैप्टन, और आसिम की और सिद्धार्थ की लड़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल
खेलो खेलो को, क्योंकि यही मिलती है आपको बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।